Assalamu alaikum, my dear students. Myself, tauhid Parvez Bhat, VPPT resource person, Diet, Bandipura. Dear students, in the previous lecture, that was lecture number first, we have discussed the genetics, what genetics is. And we have discussed the historical background of genetics. Mm -hmm. Today is our second lecture. And in this second lecture, we are going to discuss the terminology इन जेनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी तो डियर स्टूडेंट्स इट मीन्स वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंट टर्म्स विच वी आर यूजिंग इन द जेनेटिक्स ऐसी टर्म्स जो बार बार हम जेनेटिक्स में यूज़ करते हैं जिनको हम बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं तो वही टर्म्स हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं So, dear students, now let me start with the first term, that is the chromosome. Chromosome, hum kis se kehte hain, aur chromosome kya hota hai. My dear students, as all of you know that the genetic information, that is the genetic material, that is DNA, is present in the nucleus of the cell. And this genetic material, DNA, it is the blueprint of our life.

प्रेजेंट होती है जेनेटिक मटेरियल uh, और वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और वो फॉर्म करते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ डीएनए उन और कैरी करते हैं डिफरेंट जीन्स उसको हम बोलते हैं क्रोमोज़ोम और अनदर टर्म जो यूज़ करते हैं हम दैट इज द जीन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कसड इन द प्रीवियस लेक्चर जीन जो होता है जीन इज द मॉलिक्यूलर यूनिट ऑफ हेरिडिटी इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इट इज द मॉलिक्यूलर यूनिट ऑफ डीएनए व्हिच इज लोकेटेड इन द क्रोमोसोम यानी कि जीन एक ऐसा यूनिट है हेरिडिटी का इनहेरिटेंस का जो लोकेट होता है जो प्रेजेंट होता है क्रोमोज़ोम में वो जीन का काम ये होता है कि ये कैरी करता है करेक्टर्स कैरी करता है ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग और इसके बाद अनदर टर्म जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ द अलील अलील किससे कहते हैं सिंपल टर्म्स में हम बोलते हैं अलील जो होता है अलील होता है ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन और हम कह सकते हैं कि डिफरेंट वर्जन ऑफ ए जीन उनको हम अलेल बोलते हैं लेट मी गिव द एग्ज़ाम्पल टू अंडरस्टैंड द अले फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैरिड कपल है और मैरिड कपल में से जो मेल पेरेंट है वो टॉल है और जो फीमेल पेरेंट है वो डिवाफ है अब उनके पास करेक्टर जो है हाइट uh, का दैट इज़ जो वो टॉलनेस है और डिवाफनेस है और वैन दे विल गिव द बर्थ ऑफ ए बेबी जब उनसे बेबी पैदा होगा तो बेबी जो होगा जो ऑफ स्प्रिंग होगा दैट विल कैरी द जेनेटिक इंफॉमेशन फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स मेल पेरेंट एज वेल एज फीमेल पेरेंट क्योंकि एज वी नो जब डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स होती है जब सेक्स डिटर्मिनेशन होती है तो वहाँ पर हाफ ऑफ द क्रोमोजोम मेल पेरेंट्स से आते हैं और हाफ ऑफ द क्रोमोजोम फीमेल पेरेंट्स से आते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है अब जो ऑफस्प्रिंग है इसके पास दोनों करेक्ट दोनों जीन्स प्रेजेंट है इन ऑर्डर तो टू डिटरमाइन द दे करेक्टर जीन फॉर द टॉलनेस और जीन फॉर द डिफॉफनेस दैट मीन्स इट कंटेन्स द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट मीन्स इधर इट मे बी टॉल और इधर इट मे बी डिफ है ना इट डिपेंड्स वी जीन विल बी एक्सप्रेस और यही ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एलिन क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वर्जनज ऑफ जीन है जीन की जो वर्जन है वो डिफरेंट हैं या तो ये बंदा टाल हो सकता है या तो ये बंदा जो ऑफ स्प्रिंग है ये डिवाफ हो सकता है अब डिपेंड करता है विच विल गेट एक्सप्रेसड टॉल जीन अगर एक्सप्रेस हो गया तो ये जो उनका ऑफ स्प्रिंग होगा इट मे बी टॉल अगर डिफ जीन एक्सप्रेस हो गया दैट मीन्स इट मे बी द डिफ़ यानी कि करेक्टर दोनों ट्रांसमिट हो गए लेकिन एक्सप्रेस एक ही हो गया यानी कि अब इसके पास जो जीन है इसके पास अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है यानी कि एक लोक्स पे दोनों टाइप्स ऑफ दो टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट है वन इज़ फॉर टॉलनेस वन इज़ फॉर डिवाफनेस और जब ये अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एले तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम डोमिनेंट जीन और रेसेसिव जीन डिस्कस करते हैं डोमिनेंट जीन क्या होती है और रेसेसिव जीन क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स सिंपल वर्ड्स में आप याद रख सकते हो जो जीन एक्सप्रेस होती होगी उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं और लेकिन वो एक्सप्रेस होती होगी इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेट जीन यानी कि अगर हमारे पास एलील है तो एलील में टू टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट है जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी वन फॉर टॉलनेस वन फॉर डिवाफनेस यानी कि यहाँ पे अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन है या तो टॉलनेस या तो डिवाफनेस इनमें एक्सप्रेस हो जाएगी जो इनका ऑफ स्प्रिंग होगा और जो जीन एक्सप्रेस होती है इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेट जीन उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन और जो जीन एक्सप्रेस होती है इन प्रेजेंस ऑफ ए सिमिलर जीन आइडेंटिकल जीन उसको हम बोलते हैं रेसेसिव जीन फॉर एग्ज़ाम्पल जीन्स ट्रांसमिट हुए और दोनों जीन्स एलील जो प्रेजेंट है एक भी टॉल टॉलनेस एक्सप्रेस कर सकता है दूसरे भी दूसरा भी टॉलनेस एक्सप्रेस कर सकता है लेकिन दोनों में से एक ही एक्सप्रेस होगा और जो इनमें से एक्सप्रेस होगा इन प्रेजेंस ऑफ एन आइडेंटिकल जीन उसको हम रेसेसिव जीन बोलते हैं यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आप देख सकते हो फ्लावर की क्योंकि आप याद रखिएगा डोमिनेंट जीन को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और एसेस्यू जीन को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ये इट इज़ नॉट ए रूल कि आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर यूज करो लेकिन फॉर कन्वीनस समझने के लिए हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हैं अब देखो पर्पल कलर ऑफ द फ्लावर है यहाँ पे तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल लेटर से इट इज़ अ डोमिनेंट कलर और दूसरा वाइट कलर है इसको हमने रिप्रेजेंट किया है आ, स्मॉल पी से दैट इज द रेसेसू रेसेसोजीन रेसिस कैरेक्टर भी कह सकते हो आप रेसेसोजीन अब देखिए आप यहाँ पे एक जगह दो फ्लावर्स ऐसे हैं जिनमें ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स प्रेजेंट एलील्स जो है वो ऑल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट है कैपिटल पी स्मॉल पी कैप्ट कैपिटल पी स्मॉल पी लेकिन यहाँ पे पर्पल कलर डोमिनेंट हुआ है यानी कि जो जीन था फॉर पर्पल कलर उसने डोमिनेंस दिखाई है वो एक्सप्रेस हुई है तो उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन और अगर आप देखोगे एक और फ्लावर है हमारे पास वाइट फ्लावर उसमें आप सेम जीन्स देखोगे एलील जो है वो एलील एलील जो है पेयर ऑफ जीन्स जो है वो सेम है बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल पी स्मॉल पी लेकिन दोनों में से एक एक्सप्रेस हुआ है लेकिन दोनों रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को वाइट कलर को यानी कि दे आर द आइडेंटिकल जीन्स और अगर कोई जीन एक्सप्रेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल जीन उसको हम बोलते हैं डेयर स्टूडेंट्स रेस जीन उसके बाद हम चलते हैं आगे थोड़ा उसके बाद हम देखते हैं जीनूम हम किससे कहते हैं व्हाट इज जीनूम टर्म जीनूम जो यूज होती है तो जीनूम हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इंटायर डी एन जब हम डीएनए की सीक्वेंस देखते हैं डीएनए में कौन से जीन्स प्रेजेंट है कौन से जीन्स एक्सप्रेस है कौन से जीन्स साइलेंट है कौन से जीन्स फॉल्स है कौन से जीन्स फंक्शनल है तो ये जो पूरी सीक्वेंस है इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इससे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद हेल्प ऑफ ए टर्म दैट टर्म इज़ कॉल्ड एज ए जीनो उसके बाद एक और टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द जीनो टाइप और फिनोटाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये जीनो टाइप और फीनोटाइप आप सिंपली याद रख सकते हो मैं आपको सिंपल सिंपल टेक्निक uh, uh, बोलता हूँ याद रखने के लिए जीनोटाइप किससे कहते हैं और फिनोटाइप किससे कहते हैं क्योंकि जीनोटाइप स्टार्ट होता है जी ई तो जी ई मीनस हो गया है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो जीनोटाइप होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यानी कि वो किस जीन का बना हुआ है उसमें उसमें जीनेटिक मेकअप जेनेटिक मेकअप कौन सा है कैसे कौन सी चीनज प्रेजेंट है कौन सी चीज डोमिनेंट है कौन सी जीनज जीन रेसिसव है तो जो हमारा जेनेटिक मेकअप होता है जो हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप की जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स या हम कह सकते हैं फिजिकल अपेरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो फ़िजिकल अपेरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होती है या सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स जो होते हैं उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं लेट वी गिव द एग्जांपल अगर हम देखेंगे कलर फॉर एग्जांपल अगर आप बचे किसी बच्चे का कलर आप में से किसी स्टूडेंट का कलर वाइट है ठीक है या दूसरे स्टूडेंट कलर वटिश है दैट इज़ द फिजिकल अपेरेंस वी कैन से दैट इट इज़ द फिनोटाइप और अगर आप में से किसी स्टूडेंट का कलर अब हम देखेंगे उसमें जीन कौन सी इन्वॉल्व हुई है वाइट कलर को एक्सप्रेस करने के लिए और विटिश कलर को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी जीन इन्वॉल्व हुई है उसको हम बोलते हैं जीनो यानी कि फिनोटाइप क्या होता है फिजिकल अपरेंस सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो उनको करेक्टर्स को उनको आप फिनोटाइप कहेंगे जैसे कलर है टॉलनेस है डिवॉफनेस है है ना ये सारे क्या है दीज आर द फिनोटाइप्स और जीनो टाइप्स जेनेटिक मेकअप यानी कि इनमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कौन सी जीन एक्सप्रेस हुई है कौन सी जीन एक्सप्रेस नहीं है कौन सी जीन डोमिनेंट है कौन सी जीन रेसिसू है तो इसको हम बोलते हैं दैट्स कॉल्ड एज ए जीनो टाइप जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया आपको आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लावर है ये पर्पल कलर है जो इसका कलर है पर्पल कलर दिस इज द फिनोटाइक और अगर हम देखेंगे इसमें जीन इन्वॉल्व डोमिनेंट जीन है दैट इज कैपिटल पी कैपिटल बी, दैट इज दैट इज ऑफ कलर दैट इज ऑफ पर्पल कलर तो इसको हम कहते हैं फिनो टाइप यहाँ हम बोल सकते हैं सेट ऑफ एल्स दैट एन इंडिविजुअल हैज़ जो एल्स होते हैं सेट ऑफ एल्स जो इंडिविजुअल के पास होते हैं उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप और फिनो वही फिजिकल अपेरेंस जो होती है किसी ऑर्गेनिज्म की किसी चीज़ की आ, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसको हम बोलते हैं फिनो जैसे यहां पे पर्पल कलर है या वाइट कलर है इट्स अ फ़िनो और जो जीन्स इन्वॉल्व हुई है इनमें दैट इज़ द जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक मेकअप इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे होमोजाइग्स क्या होता है और हेटेरोजाइग्स क्या होता है देखिए अगर हमारे पास एलील आपने समझा कि पेयर ऑफ जीन्स होते हैं है ना अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स होंगे अगर ये अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स या पेयर ऑफ एलील ये सिमिलर होंगे ये सेम होंगे इन डिप्लॉड ऑर्गेनिजम्स जिनमें बोथ क्रोम क्रोमोजोम हो, प्रेजेंट होते हैं तो अगर ये सेम होंगे उनमें अगर एलील पेयर सिमिलर होगा सेम होगा तो उसको हम बोलते हैं होमोजैग्स फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रेट है रेट में जो कलर है वो ब्लैक है और आपने जब चेक किया कौन सी जीन एक्सप्रेस हुई है तो आप देखते हो कि इसमें दोनों जीन्स जो है एलील जो है दैट इज वन इज़ फॉर ब्लैक एंड अदर इज ऑल्सो फॉर ब्लैक देन वी कॉल इट एज एन होमोजाइगस क्योंकि इसमें जो एलील पेयर है वो सिमिलर है इसको हम होमोजाइगस कहेंगे और हेटीरोजाइगस क्या कहें? किससे कहेंगे हम जिसमें एलिल पेयर जो होगा वो डिफरेंट होगा लाइक like दैट आपके पास एक रेट आपने लाया तो रेट का कलर जो है दैट इज द वाइट जब आपने देखा इसका कलर वाइट है तो आप इसका जीनोटाइप चेक कर रहे हैं कौन सी जीन डोमिनेंट हुई है हुँ. तो जब आपने जीनोटाइप इसका चेक किया तो आप देख रहे हो कि इसके पास टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन थी यानी कि ये रेट या तो ब्लैक हो सकता था या वाइट हो सकता था यानी कि लेकिन इसमें जो कलर एक्सप्रेस हुआ है वो वाइट हुआ है तो आप कह सकते हो दैट इट इज़ ए हिटीरोजाइगस यानी कि इसमें एलील पेयर जो है वो डिफरेंट है अगर एलील पेयर सेम होगा इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म उसको हम कहेंगे होमोजाइगस अगर एलील पेयर डिफरेंट होगा इन हिटीरो इन ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म उसको हम कहेंगे हटीरोजाइगस जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दी आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो होमोजाइगस कौन सा है और हिटीरोजाइगस कौन सा है उसके बाद एक और टर्म यूज़ होती है दैट इज़ द आटोजोम ऑटोज़ूम्स हम किससे कहते हैं या इनको हम दूसरा नाम बोलते हैं सोमैटिक क्रोमोजोम्स ऑटोज़ूम्स जो नॉन सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं जो सेक्स में इन्वॉल सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं ऑलमोस्ट उनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स लेट वी गिव द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींगस अगर हम ह्यूमन बींगस देखेंगे हमारे पास ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं हाफ फ्राम द मेल पेरेंट हाफ फ्राम द फीमेल पेरेंट और ट्वेंटी थ्री पेयर में से जो ट्वेंटी टू पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं वो होते हैं ऑटोजोम्स जिनको हम बोलते हैं सोमैटिक क्रोमोजोम ऑटोजोम्स जो होते हैं दैट मेक स्टोर द थाउजेंड्स ऑफ जीन्स एंड विच कैन डिटरमाइन द डिफरेंट फंक्शंस ऑटोजोम स्टोर करते हैं थाउजेंड्स ऑफ जीन्स लार्ज नंबर ऑफ जीन्स और जो डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को उनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं सेक्स डिटर्मिनीशन में और उसके बाद हम जब बात करते हैं सेक्स डिटर सेक्स क्रोमोसोम्स की तो सेक्स क्रोमोज़ोम्स की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे क्रोमोज़ोम्स होते हैं जो जो डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म का जो सेक्स है वैदर इज अ मेल और फीमेल जो वो क्रोमोज़ोम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोज़ोम्स मैंने आपको अभी कहा जो ऑटोजोम होते हैं वो ट्वेंटी टू पेयर होते हैं और जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं वो वन पेयर होता है जैसे हम मेल से मेल के पास जो सेक्स क्रोमोजोम होता है दैट उसमें क्रोमोजोम जो प्रेजेंट होते हैं दैट्स एक्स एंड वाई और फीमेल के पास जो सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है दैट्स एक्स एंड एक्स और वही चीज़ जब मिल जाते हैं फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग वैदर इट विल बी द मेल आर दर फीमेल तो उस चीज़ को हम सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं और जो वहाँ पे क्रोमोजोम इन्वॉल्व होते हैं उनको हम सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं या उनको हम एलोजोम भी बोलते हैं और और एक चीज जो एयर एक टर्म जो यूज करते हैं हम उसको हम कोडान बोलते हैं कोडान जो होता है कोडान इज एक्चुअली जब आ, हम क्या करते हैं जो सिकेंस होती है थ्री बेस ऑफ डीएनए और आरएनए आरएनए की जो थ्री बेसिस मिलके एक सिकेंस बनाते हैं उसको हम कोडान बना कोडान बोलते हैं और वही क्या करते हैं वो कोड करते हैं फॉर ए सिंगल अमीनो एसड अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं और उन्हीं अमीनो एसिड्स को मिलके वो प्रोटीनस बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डी में देखेंगे डी में नाइट्रोजनस बेसिस होती है एडेनिन होती है गवानी होती है साइटोसिन होती है थैमिन होती है अगर हम आर एन ए देखेंगे उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होती है एडिनिन होती है गवानी होती है साइटोसिन होती है और यूरेसिल होती है और ये तीन तीन नाइट्रोजन बेसिस मिल के फॉर्म करते हैं और ये कोडन जो होते हैं ये कोड करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए सिंगल एमिनो एसिड्स और उन्हीं एमिनो एसिड से मिलके फिर प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाती है जैसे मैंने यहाँ पे एक आ, पिक्चर आ, दिखाई है आपको यहाँ पे हम कोडान देखते हैं गवानीन साइटोसिन एंड यूरिसिल ये फर्स्ट कोडान है आरएनए का ये मैंने यहाँ पे आरएनए का दिखाया है न्यूक्लिक एसिड्स का डीएनए का नहीं दिखाया तो आप इसको चेक कर सकते हैं इसके बाद एक और टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द करेक्टर करेक्टर हम किससे कहते हैं कल भी मैंने इन द प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा कि करेक्टर हम कहते हैं हेरिटेबल फीचर्स एमंग द पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग जो हेरिटेबल फीचर्स होते हैं यानी कि जो फीचर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग उनको हम करेक्टर कहते हैं और ट्रेट जो होता है ट्रेट होता है वारंट ऑफ ए करेक्टर यानी कि इट्स द पार्ट ऑफ ए करेक्टर लेट मी गिव द एग्जाम्पल कलर जो है कलर इज ए करेक्टर वेदर इट इज़ अ रेड

और भी टर्म्स हम डिस्कस कर सकते हैं बहुत सारी टर्म्स लेकिन टेंथ लेवल तक इतनी सारी टर्म्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगी और यही यही टर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है टेंथ हम टेंथ लेवल तक जेनेटिक्स पढ़ते हैं और इससे और भी टर्म्स हम डिस्कस कर सकते हैं वो इंशाल्लाह है, हम, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के साथ साथ उनको भी हम इंक्लूड करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम